हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट 52 वीडियो ऑफ मैथ फॉर क्लास फोर्थ चैप्टर 4 एंड एक्सरसाइज 9। इन प्रीवियस वीडियो वी सॉल्व टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। वर्ड प्रॉब्लम 648 टूरिस्ट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द रेलवे स्टेशन इन बसेज। कह रहा है कि 648 टूरिस्ट जो है एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन को जो है बसेस से छोड़ा गया। इफ़ 24 पीपल्स कैन सीट इन अ बस, कह रहा है कि अगर इस बस में 24 पीपल ही बैठ सकते हैं तो हाउ मेनी बसेस विल बी रिक्वायर्ड, तो हमें कितने बसेस और चाहिए जिससे कि 648 टूरिस्ट को भेजा जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल चीज़ है, क्या है, डिवाइड करना है, क्योंकि एक बस में 24 है और टोटल इतने जो है टूरिस्ट हैं, तो हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा कोशेंट हमारा वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बसेस होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो टूरिस्ट जो हमारा जो है टूरिस्ट हो गया 648 और वन बस जो है कैरी करता है 24 पीपल। ठीक है, वन बस में तो नंबर ऑफ बसेस क्या होंगे, देन नंबर ऑफ बसेस इक्वल टू 648 डिवाइडेड बाई 24। तो 24 648 24 का अगर टेबल याद नहीं है तो आपको पहले वीडियो में मैंने ट्रिक बताया था कि 2 हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से 6 लेंगे, तो 2 3 6 होता है, तो पूरे 3 बार में चला जा रहा है, तो हम 3 से क्या करेंगे, 1 नंबर लेस का लेकर टेबल पढ़ेंगे, यानी 2 लेंगे, तो 2 4 8 और 2 2 4। ठीक है, यानी 24 2 48 माइनस करेंगे, 4 में से 8 जाएगा ना, इसे ले लिया एक 14 हो गया, 14 में से 8 चला जाएगा तो हो जाएगा 6, 5 में से 4 गया 1। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर 8, द नंबर बिकम 168। तो अगेन हमको 2 का टेबल 24 का याद नहीं है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 1 डिजिट केवल ये 1 पड़ रहा है तो हम इन दोनों को ले लेंगे 16, क्योंकि 2 जो है जिसे डिवाइड करना है वो संख्या जो है हमेशा छोटा होना चाहिए इससे, तो अभी अब 16 हो जाएगा तो 2 8 16 होता है, 8 बार में कट रहा है, लेकिन अब एक नंबर वन नंबर लेस हम पढ़ेंगे, यानी 8 बार में कट रहा है तो हम 7 बार में ही इसको डिवाइड करेंगे, 7 4 20 8 2 आया बचा हमारे पास, तो 7 4 20 8 और 7 2 14 और 2 16। तो देखिए ये कट गया, यानी नंबर ऑफ बसेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बसेस इक्वल टू 27 चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। इन अ चॉकलेट फैक्ट्री 5678 चॉकलेट्स आर प्रोड्यूस इन अ डे, यानी एक दिन में चॉकलेट फैक्ट्री में 5678 चॉकलेट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस यानी बनाए जाते हैं। दे आर पैक्ड इन बॉक्सेस ऑफ 100 चॉकलेट्स ईच, यानी हर एक जो है बॉक्स में जो है 100 चॉकलेट को रखकर पैक किया जाता है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर पैक्ड, कराए तो इनको पूरे चॉकलेट्स को रखने के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए, एंड हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट ओवर, और कितने बच जाएंगे जो पैक नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल क्या करना, हमको इतने टोटल चॉकलेट्स हैं और एक बॉक्स में इतने चॉकलेट आते हैं, जिससे हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो जितना कोशेंट आएगा वो टोटल जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे, और जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट चॉकलेट्स हो जाएंगे। तो नाउ डू, तो इसको हम ऐसे करेंगे
हंड्रेड हो गया, और जो हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं 5678। ठीक है, तो आपको एक प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, जैसे कि 10 से जब डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, 100 से जब डिवाइड करने के क्या रूल्स है, तो जो वेन ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 100 द डिजिट इन द 10 वन प्लेस एंड 10 प्लेस मेक अप द रिमाइंडर एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट मेक अप द कोसेंट। यानी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन प्लेस और 10 प्लेस की वैल्यू जो है हमेशा रिमाइंडर होते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो नंबर है वो ऐसे कोसेंट हो जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हैं कि हमें जो नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए 56 चाहिए, और 78 जो हमारे क्या हो जाएगा रिमाइंडर कैरी होगा, हम देख कर इसको बता सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं कि 100 और 10 का जो मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था, अगर डिवीजन किया बताया था हमें कि 10 में क्या बताया था कि वेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 10 द डिजिट इन द वन प्लेस इज द रिमाइंडर एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट मेक अप द कोशेंट। उसी तरह 100 के केस में क्या था कि वेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 100 द डिजिट इन द 10 प्लेस एंड वन प्लेस मेक अप द रिमाइंडर। यानी 10 प्लेस और 1 प्लेस की जो वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट मेक द कोशेंट। तो आपको अब तो इसको देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन हम करते हैं। तो 100 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा, तो 6 और 7 ये बचा रिमाइंडर, 8 इज ब्रिंग डाउन, तो नंबर विल बी 678। 6 टाइम हम पढ़ेंगे तो 600, 6 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 प्लस करेंगे तो यह 8 हो जाएगा, और ये 7 कट गया, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये हमारे बॉक्सेस हो गए। यानी जो बॉक्सेस चाहिए हमें 56 चाहिए, और लेफ्ट जो बचेंगे, लेफ्ट जो है टॉफी जो होगा वो 78 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन 3 थे। थैंक यू।